नमस्कार जी, मैं शिफाली सीक्रेट ऑफ योर लाइफ प्रोग्राम में आपका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। एक बार फिर से हाजिर हैं आपके सामने। इस साल 2079 विक्रमी संवत शुरू हो रहा है, यानी कि नवरात्रे शुरू हो रहे हैं 2 अप्रैल को। यानी कि अप्रैल के महीने में ही 9 के 9 ग्रह राशि परिवर्तन कर रहे हैं। इन ग्रहों का हमारी राशियों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, आज आइए जानते हैं प्रोफेसर गुरदीप रोड़ा साहब से। तो पहले स्वागत कर लेते हैं प्रोफेसर साहब का। प्रोफेसर साहब, ओम नमः शिवाय। नमस्कार प्रोफेसर साहब, बात है राशियों की, बात है ग्रहों की, तो व्यू भी बहुत अच्छा है, पेड़ पौधे हैं। और मेरे मन में भी था, अगर बात 9 के 9 ग्रहों की है कि 9 के 9 ग्रह जो हैं वो अप्रैल के महीने में राशि परिवर्तन कर रहे हैं, तो प्रोफेसर साहब मैं आज आपसे जानना चाहती हूँ कि शनि की पनौती क्या है, किन राशियों पर शनि देव जो हैं वो साढ़ साथी लगा रहे हैं, ढैया लगा रहे हैं, किन राशियों के ऊपर शनि की साढ़े साथी और ढैया जो है वो ख़त्म हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात प्रोफेसर साहब, जो राहु देव की बात है, राहु और केतु जो हैं 12 अप्रैल को राशि परिवर्तन कर रहे हैं, यानी पूरे 18 महीने मेष राशि में रहेंगे राहु देव। तो मंगल ग्रह जो है वो भी 7 तारीख को राशि परिवर्तन कर रहे हैं। अगर बुध देव की बात करूं प्रोफेसर साहब, वो 8 अप्रैल को राशि परिवर्तन कर रहे हैं। तो अगर शुक्र देव की बात करें, वो 27 अप्रैल को चेंज हो रहे हैं। अगर शनि देव की बात करें, वो 29 अप्रैल को चेंज हो रहे हैं। तो प्रोफेसर साहब, ये सभी ग्रहों के बारे में मैं जानकारी लेकर आपके पास आई हूँ, और मैं चाहती हूँ प्रोफेसर साहब आप जो हैं राहु देव के बारे में, शनि देव के बारे में, सभी ग्रहों के बारे में हमें भरपूर जानकारी दें और हमें ये दुविधा से निकालें कि ये राशियों के ऊपर जो हैं राहु देव या शनि देव या गुरु मंगल जो बुरा प्रभाव डाल रहे हैं, उसके लिए वो उपाय बताएं। शिवाली जी इधर आ जाइए, मेरे धूप लग रही थी, मैं बड़ी देर से सोच रहा था शिवाली जी को इधर करूँ मैं जी। और आपने वाकई में पढ़ाई की है, इसको देखा है कि कब कब पंचांग से भी कब कब ग्रह चेंज हो रहे हैं, मैं सुन रहा था। हाँ, कई सालों के बाद ये योग बन रहा है कि सभी के सभी ग्रह जो चेंज हो रहे हैं एक महीने में, कई सालों के बाद। बहुत अच्छा बताया शिवाली आपने कि राहु का क्या प्रभाव पड़ता है और शनि का किन राशियों के ऊपर ढैया चलेगा, किन राशियों के ऊपर साढ़ साथी चलेगी, ये बहुत अच्छा पूछा आपने। शनि देव जो राशि परिवर्तन कर रहे हैं और जो राहु देव राशि परिवर्तन कर रहे हैं, आपने बोला कि मेष राशि में राहु देव जा रहे हैं, वाकई में जा रहे हैं। और जो मेष राशि में, आपको ये भी पता होगा कि सूर्य देव भी जा रहे हैं, तो हमारा जो नया साल है ज्योतिषियों का अब शुरू होगा 14 तारीख के बाद। जब सूर्य देव मेष राशि में आते हैं तो हमारा नया साल शुरू होता है जी, बिल्कुल। लेकिन राहु भी साथ में है, एक बात समझ लीजिए बहुत ध्यान से, जो कि किसी ज्योतिषी, बहुत कम ज्योतिषी बताते हैं ज्ञान की बातें। शिफाली जी, ये जो सूर्य के साथ राहु देव आ रहे हैं, कईयों को इनके बारे में नहीं पता कि सूर्य के साथ जब राहु देव आते हैं तो कहते हैं ग्रहण योग लग गया जी। पहले आपको ये समझना चाहिए, जो सूर्य देव है वो अश्विनी नक्षत्र में आरंभ होंगे, यानी कि मेष राशि में आरंभ होंगे। तो जो राहु देव है वो कृतिका में ऑलरेडी चल रहे हैं, तो कृतिका से मेष राशि में अंदर जाएंगे, बहुत ध्यान से, क्योंकि राहु देव उल्टे चलते हैं। तो जो सूर्य देव की रेस है, सूर्य देव की पकड़ है, वो 15 डिग्री तक है, यानी कि सूर्य और राहु का मेल 15 दिन के बाद होगा, जब सूर्य तकरीबन 15 डिग्री में पहुंच जाएंगे। जब सूर्य देव की डिग्री 15 डिग्री ऊपर हो जाएगी, फिर राहु के साथ मेल खाएंगे, फिर वो दोनों इकट्ठे होंगे, फिर उनकी पकड़ में आ जाएंगे। ये तो मैंने बात समझाने की डिग्रियों के हिसाब। राहु उल्टे चलते हैं, जो सूर्य देव है वो सीधे चलते हैं, कभी भी सूर्य देव वक्री नहीं होते, क्योंकि सूर्य देव के इर्द गिर्द ही सभी ग्रह चलते हैं। चलो शिफाली जी, बहुत सारी बातें हैं जिसके बारे में हम नहीं जानते जी। लेकिन बहुत सारी बातें हैं जिसके बारे में जानना जरूरी भी होता है जी, बिल्कुल। देखिए, शनि देव अभी कुंभ राशि में आएंगे, यानी कि शनि देव अच्छी राशि में आएंगे कुंभ राशि में, तो शनि देव की जो कुंभ राशि है वो बहुत अच्छी राशि है। जो आपको खराब मैसेज आ रहे थे, परेशानियां चल रही थी,
शिवाली जी बहुत ज़्यादा परेशानियाँ चल रही थी, शनिदेव मकर राशि में चल रहे थे, मंगल भी मकर राशि में चल रहे थे, तो ये जो एक्सीडेंट योग बने हुए थे बहुत ज़्यादा परेशानी थी, क्योंकि शनिदेव की खराब राशि है मकर राशि। मकर राशि में अग्नि ग्रह कभी अच्छे नहीं होते, पहले तो ये बात समझिए। जब भी शनि की राशि में मंगल आते हैं तो परेशानियां आती ही आती हैं। तो एक्सीडेंट कितने हुए, सबको बहुत परेशानियां हुई, लॉसेस हुए, सबके काम धंधे बंद हो गए थे। लेकिन आज ये जो इस साल में यानी कि ये महीने में कई सालों के बाद ये योग बना है कि 9 के 9 ग्रह हमारे ठीक हो रहे हैं। जैसे कि मैंने पहले बताया, बुध देव 20 डिग्री को 8 दिन में पार कर रहे हैं, शुक्र भी कहते हैं कि 20 दिनों में डिग्री पार कर जाएंगे, एक राशि पूरी की पूरी पार कर जाएंगे। शुक्रदेव कहते हैं कि कुंभ राशि में आएंगे, फिर मीन राशि में चले जाएंगे। मकर राशि जो शनि देव की होती है बहुत ज़्यादा ख़राब होती हैं। पहले तो मैंने आपको सबको ये बताया कि शनि की राशि में मकर राशि में जब अग्नि ग्रह आ जाते हैं तो बहुत ज़्यादा ख़राब होते हैं। तो सुनिए, गुरुदेव भी चेंज हो रहे हैं, गुरुदेव शनि की कुंभ राशि छोड़कर मीन राशि में जा रहे हैं अपनी स्वयं राशि में, तो गुरुदेव भी अच्छा प्रभाव देंगे यहाँ पे, और बुध भी राशि परिवर्तन कर रहे हैं, मंगल भी राशि परिवर्तन कर रहे हैं, यानी कि शनिदेव भी खुद की राशि में आ गए हैं। शिफाली जी, यानी कि कहने का मतलब ये है कि शनिदेव अच्छी राशि में आए हैं तो अच्छा प्रभाव देंगे, जरूर देंगे। जी जी, तो उनकी अपनी मूल त्रिकोण राशि, मूल त्रिकोण राशि है शनि की, कुंभ राशि मूल त्रिकोण है, पहले ये समझिए आप। जब तक आप ग्रहों की नेचर को नहीं समझोगे तब तक आपको ग्रहों के बारे में नहीं पता चलेगा। शिफाली जी एक बात याद रखिए, मुझे किसी ने पूछा कि चंद्र की राशि जब आती है अच्छी हो तो वो उसकी महादशा आ जाए तो वो क्या प्रभाव देती है। सूर्य की महादशा बहुत ख़राब होती है और शनि की महादशा भी बहुत ज़्यादा ख़राब होती है, मंगल की महादशा और भी ज़्यादा ख़राब होती है। जी बिल्कुल, देखिए जब तक आप ग्रहों की नेचर को नहीं समझोगे राशियों के बारे में पता नहीं चलेगा, जब तक राशियों की नेचर को नहीं समझोगे तो ग्रहों के बारे में नहीं पता चलेगा। चलो बताते हैं, थोड़ा शाम में आ जाते हैं। शिफाली जी, सूरज क्या है, अग्नि का गोला, गैसें भरी हुई हैं उसके बीच में, मेष राशि में आएगा, अग्नि राशि में आएगा तो सबसे ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, उस अग्रेसनेस बढ़ जाती है। यानी कि मंगल की मेष राशि खराब होगी जब सूर्य उसमें आए, पहले नहीं खराब हुई थे लेकिन जब राहु के आने के साथ खराब हो जाती हैं। वो कब खराब होंगे, जब सूर्यदेव 15 डिग्री में जाएंगे तब तक वो खराब नहीं होते, जब तक सूर्य मेष राशि में होता है ऐसा बच्चा तपस्वी होता है, नाम होता है, गवर्नमेंट की ओर से पैसा आता है, इज्जत मान सम्मान मिलता है। अगर पहले से राहु वहाँ पे बैठा हो तो मान सम्मान नहीं मिलता, पहले ये समझ लीजिए। बहुत सारी बातें हैं ग्रहों के बारे में। देखिए कोई भी ग्रह, मान लीजिए राहु मेष राशि में बैठा, राहु का तो अस्तित्व नहीं है जी। जिसका अस्तित्व नहीं है शिफाली जी, हम उससे डरते हैं जी। बिल्कुल, देखिए छाया से डरेंगे ना, छाया से डरते हैं क्योंकि राहु क्या है, छाया ग्रह, अस्तित्व नहीं है लेकिन हमारी छाया उसे दिखाई देती है, शैडो। तो शैडो क्या करवाता है, डराता है, डर रहता है, यार ये छाया किसकी है। तो ऐसे ही राहु भ्रम पैदा करता है, तो राहु से लोग इसलिए डरते हैं क्योंकि वो भ्रम पैदा करता है, उसका अस्तित्व नहीं है। तो राहु जब मेष राशि में आएगा, अग्नि राशि में आएगा, तो क्या करेगा, अग्रेसिवनेस बढ़ाएगा, छाया तेजी से चलेगी, जब तेजी से छाया चलेगी तो नुकसान होता है भाई। अगर मैं बोलूं राहु किस राशि में उच्च का होता है, तो राहु मिथुन राशि में उच्च का होता है, यानी कि बुध की तीन नंबर राशि है, तो बुध की वैसे मूल त्रिकोण राशि कन्या राशि है, राहु उसमें उच्च का नहीं होता क्योंकि वो अच्छी राशि है, तो राहु षड्यंत्रकारी है भाई, तो इसलिए तीन नंबर राशि में राहु उच्च के माने जाते हैं। तो जब कभी राहु का परिवर्तन आता है तो उथल पुथल तो आपकी ज़िंदगी में आएगी क्योंकि मेष राशि में आने वाला है, लेकिन शनि अच्छा जाने वाला है, गुरु अच्छा जाने वाला है, मंगल अच्छा जाने वाला है, बुध अच्छा जाने वाला है। तो बुध देव अभी मीन राशि में नीच के चल रहे हैं, अभी ग्रह सभी खराब है, शनि देव भी खराब चल रहे हैं और मकर मंगल भी खराब चल रहे हैं और साथ में गुरु, अभी सारे भी ग्रह पूरे के पूरे ग्रह खराब चल रहे थे कहीं ना कहीं 70% जी। तो बुध भी नीच के थे, अभी सभी के सभी ग्रह अप की ओर जाने वाले, अच्छे की ओर जाने वाले हैं, ऊपर से नवरात्रे भी उथल पुथल देने वाले हैं, तो ये जो महीना है काफ़ी आपकी ज़िंदगी में उथल पुथल लाएगा। तो कुंडली के मुताबिक देखना पड़ेगा शिफाली जी कि कौन सी कुंडली में कौन सा ग्रह आपके लिए अच्छा है या बुरा है। मान लीजिए कि अगर गुरु 8th हाउस में आ गया
तो खराब है भाई। अगर गुरु मीन राशि आपकी 8th हाउस में पड़ी तो बहुत ज़्यादा खराब है। शनिदेव अगर 6th हाउस में आ गया तो और भी ज़्यादा खराब है जी, बिल्कुल। ऐसे शनिदेव अगर आपकी कुंडली के मुताबिक बता रहा हूँ मैं, आपकी कुंडली में शनि 6, 8, 12 में आ जाए तो खराब होता है जी, बिल्कुल। और गुरु 6, 8, 12 में आ जाए तो बहुत ज़्यादा खराब होता है। ऐसे ही मंगल देखना पड़ेगा कि मंगल आपका कौन से लग्न में आ रहा है तो खराब है शिवाली जी, जी बिल्कुल। अग्रेसनेस बढ़ेगी, गुस्सा बढ़ेगा। तो ऐसे ही अगर सूर्य आपका कहीं 8th हाउस में चल रहा है तो वो और भी ज़्यादा खराब होगा। अच्छा तो वही होता है अगर लग्न में आ जाए, अगर दूसरे घर में आ जाए, तीसरे घर में का भी सूर्य कहीं ना कहीं अच्छा माना जाता है। चौथे घर का मन थोड़ा सा तेज करता है, मन में तेजी लेके आता है, अग्रेसिवनेस बढ़ाता है, माता को सख्त करता है जी। जी प्रोफेसर साहब, आपने बात करी अब तक सूर्य की, मंगल की, राहु की, हमने सभी बातें आपकी सुनी। लेकिन प्रोफेसर साहब, बात है 12 अप्रैल को जो राहु देव हैं वो राशि परिवर्तन करेंगे, मेष राशि जो है वो क्रूर राशि है तो उसमें जाएंगे, तो किन राशियों के लिए ये बेनिफिट होगा और किन राशियों के लिए अच्छा होगा, ये मैं आपसे जानना चाहती हूँ। शिफाली जी, राहु देव कहते हैं कि जो हाथी होता है वो राहु होता है जी, बिल्कुल। महावत होता है मंगल जी। राहु देव यहाँ पे शरारतें नहीं करेंगे जी, अग्रेसिवनेस की नेचर जरूर लेंगे पर शरारत नहीं होगी उनसे। वो इसलिए नहीं होगी क्योंकि मंगल की राशि है तो वहाँ पे राहु कंट्रोल पे रहेंगे। मैंने बोला अभी अभी आपको कि जो ग्रह आ रहे हैं वो ज़्यादा ख़राब नहीं आ रहे। हाँ, कुंडली के मुताबिक आपके ग्रह कौन सी राशि में चल रहे हैं या कौन से घर में चल रहे हैं, वो राशि के पहले कौन सा ग्रह बैठा हुआ, वो अलग बात है। इसलिए ग्रहों को समझिए। देखिए, अब शनिदेव कुंभ राशि में आ रहे हैं जी, बिल्कुल। मकर राशि कुंभ राशि और मीन राशि के ऊपर सारथी पहले से, मीन राशि के ऊपर शुरू होगी, कुंभ राशि के ऊपर पहले से चल रही थी और धनु राशि की खत्म हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो ये सारसती थी, तो सारसती ढाई ढाई साल रहते हैं, तो अब शनिदेव जिसकी कुंभ राशि है उसके सिर के ऊपर बैठ जाएंगे जी। तो कहीं ना कहीं, कहीं ना कहीं वैसे शिफाली जी, कुंभ राशि शनि की स्वय राशि है और मूल त्रिकोण राशि है, वहाँ पे कभी खराब शनिदेव नहीं होते। लेकिन सिर के ऊपर कहीं ना कहीं ये शिक्षा देंगे कि अगर तू खुशी मनाएगा तो परेशानी आएगी जी, अगर तू खुल के हंसेगा तो परेशानी आएगी, अगर तू बहुत ज़्यादा अपना तामझाम बढ़ाएगा तो वो शनिदेव कहेंगे मैं इसको ख़त्म करूँगा। तो वो जितना भी तामझाम होता है शिफाली जी, उसको वो ख़त्म करते हैं, वो कम करते हैं। शनिदेव समझदारी के कारक हैं भाई, कभी भी बुरा प्रभाव नहीं देते जितना हम सोचते हैं जी। प्रोफेसर साहब, आप चाहेंगे फिर आप मूर्खता वाले क्वेश्चन पूछती हैं, तो प्रोफेसर मैं ये चाहती हूँ आपसे कि कहते हैं कि जिनका शनि कुंडली में वक्री होता है तो उन पर 7.5 का कोई नुकसान नहीं होता। शिफाली जी, एक बात याद रखे ज़िंदगी में जी। बुरे ग्रह अगर वक्री होते हैं जी। तो अच्छे होते हैं, ये किताबों की बातें हैं जी। अगर अच्छे ग्रह अगर वक्री होते हैं तो खराब होते हैं जी। ये किताबी बातें हैं, किताबी बातें मैं बिल्कुल नहीं करता। बहुत ध्यान से अब आपको मैं एक्सपीरियंस बताता हूँ जी, बिल्कुल। आपने अभी अभी बोला कि अगर शनिदेव वक्री हों तो वो अच्छे होते हैं जी। नहीं, अगर शनि की 7.5 लगी हो तब, तब जी। अगर शनि की 7.5 लगी हो तो, शनिदेव वक्री हो तो कोई असर नहीं होता, ऐसा कुछ भी नहीं है शिफाली जी, बिल्कुल भी नहीं है। बहुत ध्यान से सुनिए, शनिदेव वक्री हो रहे हैं और उनकी 7.5 आगे को चल रही है जी। तो जब भी शनिदेव वक्री होते, जब उसके सिर के ऊपर उतनी डिग्री के ऊपर आएंगे तो असर जरूर होगा, 100% होगा। वो अलग बात है कि लोगों का मानना है कि शनिदेव तो बैक चल रहे हैं, कब तक बैक चलेंगे, शनिदेव ऊपर से गुजर जाएंगे तो बैक थोड़ी ना चलेंगे। शनिदेव का स्वभाव है आपको बंदा बनाना जी, बिल्कुल। ये पहले समझिए आप, तो जो इंसान ज़्यादा एक बंदा होता है, मेरे टांगे यहाँ पर फंसा देती है, मैं ये भी काम करूँगा, ये भी काम करूँगा, लेकिन वो इंसान क्या करता है, जब भी मैं ये काम करूँगा वो काम करूँगा शिफाली जी, तो सभी चारों तरफ काम कर लेता है, उसको संभाल नहीं पाता, तो शनिदेव वही काम बंद करवाने के लिए आते हैं, समझदार बनाने के लिए आते हैं शनिदेव। आप समझिए, जब तक हम कहते हैं कि हमारे वक्री ग्रह हैं तो ये बुरे ग्रहों के ग्रह हैं तो हमारे लिए अच्छे होंगे, कभी भी ऐसा नहीं होता। जब वही गोचर का ग्रह ऊपर से गुजरता है तो वही नुकसान देता है, चाहे वो वक्री है चाहे वो मार्गी है जी। जी प्रोफेसर साहब,
अब आप बता दीजिए कि शनि की पनौती क्या होती है। अब शनि की साढ़े साथी जो है किन राशियों के ऊपर ज़्यादा असर करेगी और किन राशियों के ऊपर जो है असर इनका ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि हम भी फारिग हो जाए ना आपका एपिसोड देखते देखते। अब इतना ज्ञान तो हो गया कि राहु जो है 12 अप्रैल को चेंज हो रहा है, ओहो मेरा तो वहीं पर राहु है तो मेरा ख़राब हो जाएगा, मेरा शनिदेव वहीं पर है तो मेरा शनिदेव और ख़राब हो जाएगा। अभी जैसे मीन राशि के ऊपर, कुंभ राशि के ऊपर साढ़े साथी है, तो इनके लिए क्या फल है और क्या उपाय करेंगे शिवाली जी? हमारा प्रोग्राम अगर कोई इंसान देखेगा जी, आगे आने वाले एपिसोड में ऐसे एपिसोड करूंगा ताकि लोगों को पता चलेगा कि साढ़े साथी दशा महादशा हमारे ऊपर क्या प्रभाव देने वाली है। जी बिल्कुल। अभी मैं छोटी सी बात बताता हूं, एपिसोड हमारा ख़त्म होने वाला है, पीछे से इशारे आने शुरू हो गए हैं। कहते हैं कि सूर्य आग का गोला है, सूर्य को बहुत ध्यान से देखिए हम जी, तो वो आगे ब्लास्ट चल रहा है जी। जब कभी सूर्य की महादशा आएगी तो ब्लास्ट तो होंगे ही, होंगे, उथल पुथल तो होगी, अग्रेसिवनेस बढ़ेगी तो वो किस लिए बढ़ेगी? अच्छे कार्य के लिए जी, एनर्जी मिलेगी, पावर मिलेगी, इंसान काम करेगा। अगर वो कहीं बुरे घरों का मालिक हुआ तो खराब होगा। जैसे कि कन्या लग्न में सूर्यदेव 12वें घर के मालिक हैं तो उथल पुथला नुकसान होगी, मकान बिक जाएंगे, परेशानी आएगी, हॉस्पिटल जाओगे, कुछ भी जी बिल्कुल। देखिए बहुत ध्यान सुनिए, इसलिए पहले आप ग्रहों की नेचर को देखिए। जब सूर्यदेव आएंगे, सूर्यदेव क्या करते हैं, क्या जिंदगी में लाते हैं, उसकी महादशा क्या करती है, तपस्वी बनाती है और परेशान क्यों करती है, क्योंकि हम झूठ का सहारा नहीं छोड़ते। तो सूर्यदेव आते हैं तो आपको सच बोलना सिखाते हैं। गुरु क्या करवाता है आपको, कहते हैं कि जो बुरे काम कर रहे थे छोड़ दीजिए, साधु बन जाइए, भगवान का नाम लीजिए, दूसरों को रास्ता दिखाइए। अगर आप ऐसे नहीं करते तो आपकी, कहते हैं, खराब आएंगे गुरुदेव। तो जब तक आप नेचर को नहीं समझोगे तो कहते कुंडलियों में बसे रहिए, घूमते रहिए कुंडलियों में, देखते रहिए कौन सा ग्रह खराब है कौन सा ग्रह। अभी तक मेरे को तो पता नहीं चला, इतनी सर्च करने के बाद, ये जो ग्रह ऐसा क्यों फल दिया उसके ऊपर मैं खोज कर रहा हूँ। तो ये जो कहते हैं कि उसके ऊपर ऐसा प्रभाव होगा या ऐसा चल जाएगा, तो कभी भी ऐसा नहीं होता शिफाली जी। डिग्री अगर 3 डिग्री तक है ग्रह तो बच्चा ही माना जाता है, अगर कहीं बूढ़ा ग्रह हो तो 28 डिग्री के ऊपर तो बूढ़ा ही माना जाएगा। यंग ग्रह हमेशा 15 डिग्री तक ही रहते हैं, तो 15 डिग्री से लेकर 17 डिग्री 18 डिग्री तक यंग माना जाता है। तो 12 डिग्री से लेकर 18 डिग्री तक हम कहते हैं जोश बहुत है ग्रह में, एनर्जी बहुत है इसके बंदे के पास। जब कभी ऐसे ग्रह आते तो इंसान के पास जोश होता है, खिलाड़ी बनते हैं। जी प्रोफेसर मेरा एक और सवाल है आपके, आपसे प्रोफेसर, ये साढ़े साथी जो आती हैं क्या सिर्फ हम कुंडली देखकर ही जान सकते हैं या नाम के हिसाब से? अब जिनका नाम जो है जैसे कि सर लेटर से होता है, एस लेटर से नाम होता है या जी लेटर से नाम होता है, तो वो उनकी कुंभ राशि बन जाती है, तो उनके ऊपर भी साढ़े साथी का कुछ प्रभाव रहता है या नहीं रहता? अगर रहता है तो भी बता दीजिए इसका जो उपाय है वो क्या रहेगा, अगर नहीं रहता तो जिनके मन में जो साढ़े साथी को रिलेटेड कोई भी दिक्कत है तो आज वो दुविधा दूर होने वाली है। प्रोफेसर गुरदीप रोड़ा साहब हमें ज़रूर उपाय बताएंगे क्योंकि बहुत अच्छे माहौल में हम खड़े हैं। शिफाली जी नेचर की बात की, नेचर के सामने इंसान की आत्मा से बातें निकलती हैं। जी बिल्कुल। और रही बात, कहते हैं कि साढ़े साथी किसके ऊपर प्रभाव अच्छा देगी किसके ऊपर बुरा देगी, साढ़े साथी आपको कहते ना इंसान बनाने आती है, इंसान ने जो गलतियां की होती हैं उनका फल देने आती है। 30 साल के बाद आपने ये गलतियां की थी कारोबार में, इस बंदे को गलत को अपना बनाया था, इस बंदे को सही है, ये बंदा आपके लिए अच्छा है या बुरा है, कहते बुरे वक्त में ही काम आता है, पता चलता है। तो कौन सी राशियों के लिए अच्छा होगा कौन सी राशियों के लिए बुरा होगा, कभी भी शनिदेव खराब नहीं होते भाई। अगर आप शनिदेव का कहना मानते हो, अगर आप उनके सिद्धांतों के ऊपर चलते हो, शनिदेव क्या कहता है, अय्याशी मत करो। शनिदेव क्या कहते हैं, शराब ज़्यादा मत पियो। कई लोग बहुत ज़्यादा शराब पी के ख़राब करते हैं। अभी शनिदेव कहते हैं चोरी चकारी ना करो, और जो लेबर वर्ग के लोग होते हैं उनके साथ बेईमानी मत करो। देखिए शनिदेव जब वो जो कहते हैं अगर इंसान वो करता है, लेबर वाले को पूरे पैसे देता है, कभी खराबी नहीं करता, तो कभी साढ़े साथी किसी के ऊपर खराब नहीं जाती। पहली बात तो ये समझिए, शनिदेव की मित्र राशियां जो होती हैं उनके ऊपर कभी खराब नहीं होती। शनिदेव की मित्र राशियां कौन सी है, शुक्र की मित्र राशियां हैं, बुध की मित्र राशियां हैं, शनिदेव खुद स्वयं राशि की जो शनि की राशियां उनकी मित्र राशियों के ऊपर शनिदेव की साढ़े साथी कभी खराब नहीं होती।
शनि देव की सार सती हमेशा उनके दुश्मनों की राशियों के ऊपर खराब करती, जैसे कि मंगल और सूर्य की दुश्मन, सूर्य को अच्छा नहीं समझते लेकिन उनके ऊपर बहुत ज़्यादा खराब होते हैं, पहले ये समझिए। अभी इन्होंने पूछा नाम के ऊपर, नाम का बहुत बड़ा महत्व है। अगर आपकी जन्मतिथि नहीं है तो आपकी नाम की ही राशि चलती है, बहुत ध्यान सुनिए। अगर आपकी सही जन्मतिथि नहीं है तो जो गवर्नमेंट जॉब करते हैं उनकी जो तिथि चल रही है, जो डेट चल रही हो वही काम करती है। अगर आपकी जन्मतिथि है तो उसी हिसाब से ही राशि बनती है। तो इसलिए जिसका जन्मतिथि या कुछ भी नहीं है तो जो नाम रखा हुआ वो वर्क करती है 101%। तो पहली तो ये समझिए, जी अक्षर वालों के ऊपर जो सारस्वती सिर के ऊपर आ रही है वो परेशानी देने वाली है। लेकिन अगर वो अच्छे कर्म करते हैं, दूसरों का हक नहीं मारते तो कभी भी खराब नहीं होती। तो प्रोफेसर साहब इसके लिए उपाय भी बता दीजिए हमें। बहुत आसान उपाय शेफाली जी, महामृत्युंजय का जाप जो इंसान सुनेंगे तो शनिदेव कभी भी खराब असर नहीं देते, वो हमेशा अच्छा ही फल देते हैं। बहुत आसान उपाय देता हूँ, महामृत्युंजय का जाप सुनिए। और आप बहुत आसान उपाय, कभी किसी के साथ धोखा मत कीजिए, लेबर वर्क को सब पूरी पूरी लेबर दीजिए, उनका जो काम है उनके साथ अगर काम बटाते हो तो कामयाब होता है इंसान, क्यों नहीं कामयाब होता। जी प्रोफेसर साहब, आपने महामृत्युंजय की बात कही, भगवान भोले शिव की बात कही, तो मुझे भी एक दोहा याद आ गया। कहते हैं कि शिवोहम शिवोहम नाचा दृश्यम वस्तु, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। तो प्रोफेसर साहब आज आपने बहुत अच्छा ज्ञान दिया हमें कि जितने नौ ग्रह जो है इस अप्रैल के महीने में राशि परिवर्तन कर रहे हैं उसके लिए एकमात्र उपाय है, यानी कि आप सिर्फ महामृत्युंजय का ही जाप अगर करें तो ही आपको शांति मिल सकती है, धैर्य आ सकता है, आपका कोई भी ग्रह जो है बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, और घर में सिर्फ और सिर्फ महामृत्युंजय का जाप चलाएं। तो जल्द ही हम अगले एपिसोड में आपसे मिलेंगे। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय।